ब्राजील में रहने वाली 8 साल की लड़की निकोल एलिवीरा दुनिया की सबसे कम उम्र की खगोल वैज्ञानिक बन गई है। इस लड़की ने नासा के साथ मिलकर इतिहास रचा है। एलिवीरा ने नासा से जुड़े प्रोग्राम में भाग लेकर 18 स्पेस रॉक को ढूंढ निकाला। नासा के जिस प्रोग्राम के साथ एलिवीरा जुड़ी हुई है वो एस्ट्रॉयड हंटर के नाम से जाना जाता है। एलिवीरा के माता पिता ने बताया कि जब एलिवीरा चलना सीख रही थी तो वह आसमान में तारों तक पहुंचने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेती थी। 4 साल की उम्र में उसने अपने जन्मदिन पर गिफ्ट में अपने माता पिता से एक दूरबीन मांगा था। और दोस्तों, आज इस 8 साल की लड़की को दुनिया की सबसे कम उम्र की एस्ट्रोनॉमर के रूप में जाना जाता है, जो नासा के साथ मिलकर एस्ट्रॉइड की तलाश कर रही है। एलिवीरा का पूरा कमरा सौरमंडल की तस्वीरों से भरा हुआ है। इसमें छोटे रॉकेट से लेकर स्टार वॉर की तस्वीरें शामिल हैं। ये लड़की कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन पर स्पेस की रिसर्च करती है। इसके अलावा अपने टेलीस्कोप से स्पेस रॉक का पता लगाती है। एलिवीरा द्वारा खोजे गए 8 एस्ट्रॉइड की पूरी पुष्टि करने के लिए कई साल लगेंगे, लेकिन अगर ये सच में स्पेस रॉक निकलते हैं तो एलिवीरा एस्ट्रॉइड को खोजने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की वैज्ञानिक बन जाएगी।